आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव में दिखता है। खासतौर पर स्कूली बच्चे पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए नागपुर में प्रोटीन के नए सेंटर करियर सेंटर शुरू किया गया है। विदर्भ में करियर काउंसलिंग की सुविधाओं का विस्तार किया गया है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी है। नागपुर में प्रोटीन का नया करियर सेंटर शुरू करके विदर्भ में करियर काउंसलिंग सुविधाओं का विस्तार करना शुरू है। नागपुर शिक्षा का हब बन रहा है। नागपुर में फिलहाल उच्च दर्जे के करियर काउंसलिंग सेवा की जागृति और जिन्हें एडमिशन नहीं मिले हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। उच्च प्रशिक्षित तंत्र व्यवसायिकों के नेटवर्क के माध्यम से तांत्रिक दृष्टि सानुकूलित करियर काउंसलिंग को प्रदान किए जाने वाले फिजिकल करियर सेंटर का अंतर पूर्ण रूप से भरने के लिए प्रोटीन्स का उद्देश्य है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी। ऑफिस धर्मपेठ मध्ये माता मंदिर रोडला आहे आणि प्रोसिजर फार सोपी आहे। प्रोटीनच्या वेबसाइटवर जाऊन रजिस्टर करू शकता। रजिस्टर केल्यावर आयदर आमच्याकडून तुम्हाला कॉल येईल किंवा तुम्ही आम्हाला कॉल करून अपॉइंटमेंट फिक्स करू शकता। ही जी सायकोमेट्रिक टेस्ट आहे हे तुम्ही स्वतः घरी बसून देऊ शकता किंवा आमच्या सेंटरला येऊन देऊ शकता। तुम्हाला काउन्सिलिंग करायची असेल तर तुम्हाला ऑनलाईन काउन्सिलिंग पण अवेलेबल आहे किंवा तुम्ही आमच्या इथे येऊन ऑफलाईन काउन्सिलिंग पण करू शकता। टायमिंग काय आहे याचं? सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत, मंडे टू सॅटरडे। बॅचेस किती असतील? ते बॅचेस म्हणजे काउन्सिलिंग नॉर्मली काउन्सिलिंग डिपेंड करतं, कधी काउन्सिलिंग एक तासात येऊन जातं, कधी काउन्सिलिंगला 5-5 तासही लागतात। तो स्टुडंटचे कसे प्रश्न आहे, त्याचे कशी रिपोर्ट तयार झाली त्याच्यावर काउन्सिलिंगची वेळ तयार होते। पर नॉर्मली 1-1.5 तास सामान्य मुलाकरता काउंसलिंग ऑपरेट। करंटली हमारे पास ब्रांचेस है बॉम्बे में, इंदापुर में, दाउंड में, नागपुर में, अभी हम लोग खोल रहे हैं पुणे में, और नासिक हमारा दूर का भी मतलब प्लान है कुछ महीनों के अंदर। तो अभी हमारे पास 4 सेंटर्स हुए, बट वी वॉन्ट टू हैव मतलब हमारे इंडिया में हमारा प्लान है 100 सेंटर खोलने का पूरे इंडिया में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 हमारा महाराष्ट्र में होगा। नागपुर को लेकर कैसा फ्यूचर देखते हैं? आई थिंक नागपुर का फ्यूचर मैं उनको भी बता, वो भी यहाँ पे रहते तो वो बोल पाएंगे, बट मुझे लगता है कि नागपुर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। एम्स आ गया है, IIM आ गया है, NITs, IIITs हमेशा से रहे हैं। सो वो धीरे धीरे करके मुझे दिख रहा है कि ये एजुकेशनल हब, और इतना बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन अभी इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट कि अभी उनको पता होना चाहिए कि इतने ऑप्शन हैं तो अभी करना क्या है। कन्फ्यूजन भी उनके दिमाग में ज़्यादा बढ़ रहा है इन सब के बारे में। बाकी आप आई थिंक नागपुर का आपको क्या लगता है? कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।